और हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश कथुरिया, योर ब्लॉगर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज धूप निकल आई है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ उठने में, तो आंखों में ना शेड जा रहा है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता होगा कि धूप में मुझे प्रॉब्लम रहती है, मतलब हल्का सा भी शेड पड़ता है तो आंखें खुलनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन टेरेस पर आकर मैं आजकल ब्लॉग की स्टार्टिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि रूम के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि फ़ोन से ब्लॉग हो रहा है और अगर स्टार्टिंग में ही क्वालिटी डाउन रही तो ब्लॉग आगे देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए धूप से कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा लेकिन क्वालिटी से नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा जो आपने टाइटल पढ़ा है वो मैं करूँ या ना करूँ, मतलब यही सोच रहा हूँ मैं रात से करूँ या ना करूँ। बट रात को एक मोमेंट ऐसी थी जिस टाइम पे मैं बैठ गया करने के लिए और पता चला कि रेजर ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं ना ट्रिमर से नहीं करना चाह रहा, इसको बिल्कुल ही क्लीन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे रेजर चाहिए था और रेजर था नहीं। अब शॉप्स खुलने वाली है बट यार बार बार हो रहा है करूँ या ना करूँ। एक्चुअली करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो बाल है ना उनकी ऐसी तैसी हुई है और कोई सलून खुल नहीं रहा जो हेयर कट करा सकूँ। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई जब बियर्ड भी क्लीन हो जाएगी बाल भी खराब होंगे तो लुक बड़ी गंदी वाली आने वाली है। लेकिन अगर टाइटल आपने देख लिया तो हो सकता है ये मैं कर चुका हूँ तभी मैंने ये टाइटल डाला हो। 4 साल हो गए हैं मैंने क्लीन नहीं करी, पूरे 4 साल हो गए हैं, मतलब मानव होने से 3-4 महीने पहले, मैंने मानव के बर्थ से 3-4 महीने पहले रखनी स्टार्ट करी थी और अभी तक मैंने प्रॉपर क्लीन नहीं करी। कम रखी, ज़्यादा रखी, हैवी भी करी थी लेकिन क्लीन नहीं करी। आज 4 साल के बाद मुझे अपने आप को अलग देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा मेरे पीछे पड़ा हुआ है मानव, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, मेरे जैसे हो जाओ मेरे जैसे हो जाओ। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, उसका बहुत टाइम से मन है और टाइम भी हो गया यार आज। तो अभी शॉप्स खुल गई होंगी, मैं जा रहा हूँ रेज़र लेने के लिए और मैं बियर्ड क्लीन कर रहा हूँ, शेव कर रहा हूँ और अभी किसी को बताऊंगा नहीं, करने के बाद घर पे दिखाऊंगा, तो देखते हैं कैसे रिएक्शन रहते हैं सबके। अजीब तो बहुत लग रहा है यार, मतलब 4 साल की मेरी मेहनत पानी में डूबने वाली है, बहुत अजीब लग रहा है। बट मैं पहले करने के बाद ही घर पे सोच रहा हूँ दिखाऊँ तो उनके अच्छे अच्छे रिएक्शन आ जाएंगे। रेजर ले लिए मैंने बट मैंने ना कभी भी घर पर करी नहीं है और मुझे ये लग रहा है कि कहीं कट वट ना जाए, मतलब रेजर भी ना 10 बार मुंह पे आने से पहले रुक रहा है, सोच रहा हूँ करूँ क्या ना करूँ यार, कर ही लेता हूँ यार। मुझे खुद बड़ा एक्साइटमेंट हो रही है, करूँ तो क्या करूँ, करूँ या ना करूँ। ऐसा करता हूँ पहले मुझे रखता हूँ 2 मिनट के लिए, बस मैं वैसे नहीं रखने वाला, 2 मिनट के लिए रखता हूँ और देखते हैं कैसे लगती है। भाई कट ना जाए, मुझे सच में डर लग रहा है यार। एक बार पहले आप देख लो उसके बाद मैं नीचे दिखाने जाऊंगा। हंसना मत, मैं बता रहा हूँ हंसो मत यार, मेरे को खुद बड़ी हंसी आ रही है जैसे मैंने मिरर में देखा है। बट ये मैंने भी टेम्परेरी रखी है, एक्चुअली मैंने आज तक नहीं रखी, मैंने एक बार नीचे जा रहा हूँ सबको दिखाने, उसके बाद ये भी हटा रहा हूँ, 2-2 बार के रिएक्शन मिलेंगे आज आपको। हंसो मत, मैं बता रहा हूँ मुझे खुद बड़ी हंसी आ रही है यार, क्या करा यार मैंने ये। चलो नीचे चलते हैं, एक बार सबको दिखा कर आते हैं पहले। अरे हनु वो कहाँ पड़ा यार, हाँ हनु सही है क्या बना सही है बता दो सही, काट ले भाई इसको। अब है मेन खिलाड़ी हमारा, क्यों हंस रहा भाई, कौन आप? कौन हूँ मैं? तो तूने ही कहा था ना ये करने को। कौन हो आप? सही है हाँ? ऐसे रहने दू, ये तो ना हटाओ, अब हटा दू, ये भी फिर अच्छा रहेगा, अपने जैसा करना है तूने, है ना? खुद के तो आते नहीं, मेरी भी हटवा रहा है ना, मेरी गंदी हो गई ना मैं इसलिए। तूने कहा था ना ऐसे करो, क्या कौन आप? मैं कौन हूँ? अब तेरी तो इधर आ, बताओ जरा कौन हूँ मैं, इधर आ तू, इधर आ बताओ कौन हूँ मैं। पापा के पास चलते हैं। कैमरा देख कर ना कुछ बोले नहीं सच में यार, बट मुझे पता लग रहा है कि उन्होंने क्या क्या बोलना था। अब हटा दू ये भी, दीपिका सो रही है, मैं दीपिका को भी ऐसे दिखाना था एक बार। ऐसे तो कोई बंदा आ गया घर पे, ऐसे लग रहा है कोई घर पे आ गया, मतलब मैं नहीं लग रहा ना तेरे को ये है, तेरी से तूने कहा ना हटा दो हटा दो हटा दो, वो जी ये भी हटा दो, ये हटा दो हाँ। चल हटा रहा हूँ। अब फाइनली तुम लोग देख लो यार, भाई
शर्म से आ रही है मुझे तो देख के। अब मैं सबका रिएक्शन लेने के लिए जा रहा हूँ और देखते कैसा रिएक्शन मिलता है। उसके बाद अपने कुछ फ्रेंड्स को फोन करूंगा, रिलेटिव्स को देखता हूँ फोन करूंगा और उनके रिएक्शन लूंगा। और आज बहुत कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हो रिएक्शन से रिलेटेड। फटाफट से मैं चलता हूँ और सबसे पहले यहाँ से रिएक्शन लेते हैं। मतलब 4 साल बाद मैं अपने आप को ऐसे देख रहा हूँ और शायद तुम लोग तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे हो। अब मानो और मैं एक जैसे हो गए, है ना? एक जैसे हो गए ना? मानव को तो ऐसे ही पसंद आ रहा हूँ मैं। बालों का क्या करूँ मैं? टिकटॉक बना जा। चल भाग यहाँ से। अरे पापा और अन्नू कह रहे थे हटा दे मुझे। तमिल का विलेन लग रहा था, लेकिन पहचान लेगा बेटा तूने करवाया ये सारा काम। दादी देखो, सबसे पहले बोल अच्छा लगा, मैं मम्मी कह रही मुझे अच्छी लग रही थी। अरे ऐसे तो वो लग रहा है हन्नू कह रहा आलू छील दियो। अब मैं मुझे वापस लगा रहा हूँ मानव। नहीं। क्यों? नहीं नहीं। तू अपनी कटिंग भी तो करा ले, यहाँ ऐसे करा के ना बढ़िया से रेजर से इतनी बढ़िया हो रही, क्या लग रहा है? अब मानव को भी गंजा कर देता हूँ। नहीं। तूने मेरे को क्यों करवाया फिर? सही लगता है। ऐसा सही लगता हूँ झूठा। और कैसा कैसी रही भाई? अब तो कर लिया जो करना था। कोई और आ गया घर पे। मानव क्या कह रहा है? कह रहा है कोई और आ गया घर पे। ऐसा लग रहा है तो मैं तेल का छिलका उतर गया। यार ये मानव है, इसके पीछे मानव ही कहता था कर, ये इसने करवाया है। क्या हालचाल? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? अरे बिल्कुल क्लीन शेव। बहुत बढ़िया भाई। यार मैंने भी मतलब बालों का त्याग कर दिया। देखो तुमने ये त्याग करा, मैंने ये त्याग करा। अच्छा वीडियो बना रहे हो क्या साथ आप? हाँ भाई बिल्कुल बना रहा हूँ। कुछ है नहीं यार आजकल, तुम्हें पता है हम सारे लोग वेले बैठे हैं तो कुछ तो करेंगे ना। सही कह रहे हो। नेटवर्क इशू। तुमने जो मेरी जिंदगी बर्बाद करी है ना, मैं याद रखूंगा। कितने प्यारे लग रहे हो। मेरी जिंदगी जो बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तेरा ही है। चुप ही रह ले बस। यार पहले वाले लग रहे हो बहुत छोटे। चुप हो जा तू बस। अब अंदर से दिल से खुशी होगी होगी आज इस बंदे को कोई नहीं देखेगा। अब क्यों नहीं देखेगा? कसम से फोटो में नहीं अच्छे लगे लेकिन वैसे बहुत अच्छे। बहुत कितने क्यूट। मूछे क्यों हटा दी? मूछे क्यों हटा दी बोल रही थी ना उस टाइम। अगर कोई बंदा सो रहा है, सो रहा है टाइम देगा था? टाइम का क्या, मैं दोपहर में सो रही हूँ। सुबह 6 बजे उठ के, यार सुबह 6 बजे उठी, खाया पिया है, खाया पिया क्या करना है अब, कोई काम था तो सुबह 6 बजे का मैं भी तो उठा हुआ हूँ। तो खा पी के सो गई ना, तो सोई दो। अब मानव पता है क्या कह रहा है? मानव ने करवाई शेव, फिर कह रहा कौन हो कौन हो, हमारे घर कोई आ गया है। बड़े गंदे लगते थे, सिर्फ फोटो में अच्छे लगते थे, क्योंकि जितने बियर्ड वाले लड़के होते हैं ना वो सिर्फ वीडियो और फोटो में सही लगते हैं। जिनकी शक्ल मैं अपनी शक्ल नहीं देख, बियर्ड की जरूरत नहीं होती। मैं अपनी शक्ल नहीं देख पा रहा अब शीशे में। लेकिन जितने लेकिन जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना स्मार्ट लड़के, उन्हें बियर्ड की जरूरत नहीं होती। जो बगार शक्ल के होते हैं ना वही बियर्ड रखते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ल छुपानी होती है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, आपको फैमिली व्लॉग्स अच्छे से व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। मुझे भी अजीब लग रहा है, कुछ दिन आपको भी लगेगा, उसके बाद सब सेट हो जाएगा और फिर घर की खेती है जब मर्जी आ जाएगी यार।